की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। मणिपुर में नहीं जा सकते, देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। एक मिनट बैठिए, आप एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट, मणिपुर में की भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। देश देश मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। वाले नहीं हो, आप भारत माता के हथियार हो। प्लीज मानी सुनो, प्लीज प्लीज मानी सुनो, प्लीज 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 प्लीज। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही में बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप चलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। एक आवाज है भारत, हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत की, हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? माने किसकी आवाज सुनते हैं? माने सदस्य, किस लिए सुनते हैं? नो ये गलत तरीका। माने सदस्य, माने देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आप कोशिश करेंगे, गलत तरीका आपका, और वो बेहोश हो गए मेरे सामने, कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं स्पीकर सर। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनीति ने, मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। देश देश भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को,
मिटाना पड़ेगा। स्पीकर साहब के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, सम्मान कर, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास है बच्चा। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अदानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है, वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है, विषय पे आइए, विषय पे, अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है, ये देखिए, ये सारे, ये नहीं बैठो, मगर सुनिए, तो क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं, क्योंकि भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समय जवाब देने को मिलेगा, पूरा सूद समय नहीं रोकेंगे सर, फिर आप हमें मत रोकेगा सर, अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर, आप हमें मत रोकेगा सर, आप हमें मत रोकेगा, आप हमको मत रोकेगा, हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको भी मत रोकेगा। तो स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे, सूद समय जवाब
गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक मंत्री खड़े होकर बोल रहे, एक मंत्री खड़े होकर ऐसे कर रहे, एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे, यहाँ पे पूरे सांसद खड़े होंगे, यहाँ पे बैठे नहीं है चुपचाप करके, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे, कल फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे यह सवाल पूछा, बैठो, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनीति ने, मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे दो भाग के हैं, शर्म करिए जी। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा, शांति रखें प्लीज प्लीज। थैंक यू।
एक मिनट प्लीज बालूजी, एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसा सदन नहीं चलेगा। और भाई के साथ सदन नहीं चलाना चाहते, गलत बात है। हमारी बात की है, गलत तरीका है। ऐसा सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, भारत माता प्लीज बैठिए। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते। इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी बैठिए सही। नहीं बैठिए, रहने दो। आप बैठिए प्लीज। आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानी सुधर, प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? माननीय सदस्य, इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका। माननीय सदस्य, देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। पहले गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था
मेघनाथ और कुंभकरण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माने सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माने राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद मित्र।